ये सब कुछ चलता है दोस्तों, और कनेक्शन आसान होता है, बस आप लोगों को समझना है। थोड़ा वीडियो देखिए, वीडियो को देख करके आप समझिए, और इसके बाद में आप कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो आप टीवी ट्यूनर देख रहे हैं इसका कनेक्शन करना। या दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ भी ये टीवी ट्यूनर का कनेक्शन करना होता है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें इतने सारे पिने होती हैं कि समझ में नहीं आता है कौन सा सेटअप बॉक्स में लगेगा, कौन सा आपके कंप्यूटर में लगेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैं अपने कंप्यूटर के पास में हूँ, और सीधा सा फार्मूला है इसका हमारे टीवी ट्यूनर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है DC 5 वोल्ट, तो यहाँ से हमें पावर इनपुट देना है, और इसके बाद आपको ये मिलता है पोर्ट VGA आउट का, उसके बाद एक मिलता है VGA इन का, उसके बाद एक मिलता है वीडियो का, और उसके बाद इस वीडियो इन, और उसके बाद एंटीना। तो ये पिने आपको दोस्तों इसमें मिलती है, और इसके थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमें जो पावर इनपुट है इसके अंदर हमें पावर सप्लाई देना है DC 5 वोल्ट का, और उसके बाद हमें तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वायर जो है ये है हमारे मॉनिटर का वायर, जो मॉनिटर से निकल करके VGA का केबल आया हुआ है, तो ये वही केबल है, और इसको हमें लगाना है दोस्तों यहाँ पे देखिए VGA आउट के अंदर, इसे हमें VGA आउट के अंदर लगाना है, तभी दोस्तों ये आपका काम करेगा। तो इसे मैं VGA आउट के पिन में लगा देता हूँ। ये दोस्तों ये हमारा एक कनेक्शन हो चुका है, जो कि अगर हमें अपने मॉनिटर से डायरेक्ट अगर DTH चलाना होगा तो बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हमें पावर देके यहाँ पे सेटअप बॉक्स का वीडियो वायर और साइड में ऑडियो वायर लगाना होता है। तो इससे हमारा जो है मॉनिटर में DD-3D या कोई भी सेटअप बॉक्स अन्य सेटअप बॉक्स चालू हो जाएगा, लेकिन अगर हमें चलाना होगा साथ में कंप्यूटर भी और DTH भी, और उसका कनेक्शन हमें बस रिमोट के एक बटन से चेंज करना होगा, तो उसके लिए भी हमें एक और प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि है ये एक और वायर है VGA 2, ये मिनी VGA है। तो इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को भी इससे कनेक्ट करते हैं, ताकि हम दोनों कुछ एक्सेस कर सके एक साथ, मतलब अलग अलग ही होता है, लेकिन रिमोट से एक बटन में हम स्विच कर लेते हैं DTH के ऊपर, और एक बटन में स्विच कर लेते हैं PC के ऊपर। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये जो VGA इन का आपको पोर्ट दिख रहा है इसमें हम इसे कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे PC के साथ में लगता है। तो ये दो कनेक्शन हमारा हो चुका है दोस्तों, और तीसरा कनेक्शन हमें देना है इसमें पावर सप्लाई का, तो वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये दो कनेक्शन हमें देख के लगाना होता है कौन सा हमारा मॉनिटर में जाएगा और कौन सा PC के अंदर जाएगा। तो यही यहाँ पे जो VGA ये जो कंप्यूटर से आता है वो दोस्तों ये छोटा वाला पिन लगता है, और हमारा मॉनिटर से जो आता है वो ये वाला पिन लगता है बड़ा वाला, और हमें यहाँ पे पावर इनपुट कर देना है। साथ में हम इसमें अपने ऑडियो वीडियो के वीडियो वायर को यहाँ पे अटैच कर देना है, यहाँ येलो को येलो में अटैच करना है, और ये दो हमारा ऑडियो है दोस्तों। अगर आप ऑडियो इसके साथ लेना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे एक कनेक्टर के थ्रू, इस कनेक्टर के थ्रू हम इसमें अटैच कर सकते हैं, और अगर आपको होम थिएटर या कोई बूफर में साउंड लेना है तो इस पिन को आप उस जगह पर
स्विच कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसी में इसे कनेक्ट कर लेते हैं और ये पिन हमारा लगेगा यहाँ पे ऑडियो इन में, ऑडियो इन इसके अंदर हमें इसे लगा देना है। तो ये हमारा ऑडियो के लिए, साउंड के लिए ये कनेक्ट हो गया। इसमें छोटा सा स्पीकर होता है, उसके थ्रू ऑडियो आता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के बैक साइड में और ये जो छोटा वाला पिन से ये हमारा VGA का बड़ा वाला पिन जो है ये हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर कनेक्ट होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा VGA का कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाला जो केबल है इससे हमें लगाना है यहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्ट मॉनिटर से जो आपका वायर आता है कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए, तो उस जगह हमें इसका कनेक्शन देना होता है। तो इसके अंदर हमें इसे लगाना है और इसे अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा कनेक्शन जो है अब रेडी है। अब हमें बस लाइट देकर चेक कर लेना है ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लाइट देके इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर जो है ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेट टॉप बॉक्स भी ऑन है और ये TV ट्यूनर भी ऑन है। तो इसे हमें देखिए दोस्तों, मैंने मॉनिटर को कनेक्ट किया है अपने TV ट्यूनर के साथ में और TV ट्यूनर को कनेक्ट किया है PC के साथ में। तो ये हम दोनों चीज़ एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पावर का बटन है। ये देखिए दोस्तों, मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ, ये पावर का बटन है और यहाँ साइड में आप मॉनिटर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये पावर ऑफ हो जाता है और हमारा ये TV का फंक्शन ओपन हो जाता है। और इसी बटन को मैं अगर फिर से प्रेस करता हूँ, पावर का बटन है ये, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा DTH जो है वो चालू हो गया है और ADS में हमारा नो सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एंटीना का वायर अवेलेबल नहीं है और इसलिए यहाँ पे नो सिग्नल दिखा रहा है। और हम चैनल यहाँ पे चेंज करेंगे तो चैनल भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने DTH का रिमोट लिया है और यहाँ से आपको चैनल चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो वो देखिए, वहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है वो एक्सेस हो रहा है यहाँ मेरे DTH के ऊपर और मेरा PC भी अभी ऑन है और वो भी चल रहा है। तो ये हमारा चैनल भी चल रहा है और मतलब कि हमारा DTH भी चल रहा है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर भी चल रहा है। तो यही फार्मूला है दोस्तों आपको अपने PC को TV ट्यूनर के साथ कनेक्ट करने का। और अगर आप स्विच करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर तो यहाँ से आप फिर से पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पावर बटन प्रेस करने पे पहले मोड चेंज होता है और अगर PC और DTH पे आपको स्विच करना है तो उसके लिए पावर बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ होगा और दोबारा ओपन होगा आपका PC। और अगर दोबारा से आप चाहते हैं कि आपका DTH जो है वो आप एक्सेस कर सकें तो वही सेम प्रोसेस है, पावर बटन को थोड़ी देर तक आप प्रेस करके रखें और ये हो जाता है ऑफ़ और दोबारा ऑन होता है तो वो आता है आपका TV चैनल जो कि RF पे चलता है, जो कि यहाँ पे एंटीना का जो वायर है उसके थ्रू चलता है। और हमें अब चलाना है DTH तो हमें यहाँ से पावर बटन से ही मोड चेंज करना होगा, जो कि AV मोड हमें करना होगा। तो एक बार दबाएं हम तो AV आ गया यहाँ पे और हमारा DTH चलने लगा। दोस्तों मैं आपको चला करके भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं कहीं से वायर का इंतज़ाम करता हूँ और आपको इसे नो सिग्नल जो दिखा रहा है इसको चला करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एंटीना के वायर का इंतज़ाम कर लिया है और इसे मैं लगाने वाला हूँ अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोनीटर पर भी नो सिग्नल ही लिख रहा है और मैं एंटीना का वायर जैसे लगाता हूँ वैसे ही हमारा TV जो है DTH हमारा एक्सेस हो रहा है, चल रहा है। और यहाँ से हम चैनल भी चेंज कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से चैनल भी हम बदल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से काम करता है दोस्तों हमारा TV ट्यूनर और उसका कनेक्शन इस तरह से हमें करना है ताकि हमारा TV और DTH दोनों एक साथ चल सके।
और अगर आपको टीवी भी चलाना है तो मैंने जो बताया है प्रोसेस उसे देख के आप केवल टीवी भी चला सकते हैं, और कंप्यूटर चलाना हो तो बस दोनों वायर को आपको एक साथ कनेक्ट करना होता है। तो अब मैं एक बार फिर आपको अपने कंप्यूटर पे स्विच करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने पावर बटन को प्रेस करके रखा कुछ सेकेंड तक, और ये हमारा कंप्यूटर जो है वो एक्सेस होना चालू हो गया। और यहाँ से मैं अब देख सकते हैं हम इसे एक्सेस भी कर रहे हैं, और ये माय कंप्यूटर, ये सब कुछ चलता है दोस्तों। और कनेक्शन आसान होता है, बस आप लोगों को समझना है, थोड़ा वीडियो देखिए, वीडियो को देख करके आप समझिए, और इसके बाद में आप कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों एक और आपको नोटिफिकेशन देना है हमको, कल संडे है दोस्तों, और संडे को मैं लाइव आने वाला हूँ करीब 8 बजे। अगर फ्री होंगे तो संडे को 8 बजे आप हमारा लाइव सेशन देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और टीवी ट्यूनर का कनेक्शन करना आसान हो जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल के लाइव सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।